श्री अकाल तख्त साहिब की सरप्रस्ती हेठ चल रहे पांच रोजा कार्यशाला दे विच हाजरीन विद्वान जन सिखियारती जन साढ़े प्रचारक साहबान जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माना प्रतख गुरु निस्तारे। समय की जड़ी मुख लोड़ है अज जड़ा ये वड़ा उपराला सिंह साहबान यानी हरप्रीत सिंह जी वालों आओ सारे विद्वान जनों नूं लैकर के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों वड्डा उपराला किया गया जिस दे विच आप जी ने सिंह साहब ज्ञानी रघबीर सिंह जी तख्त श्री केसगढ़ साहब उन्हां जी नूं प्यार प्यार सुनेहा भेजिया। पिछले कुछ दिनों तो उन्हां दी सेहत नासाज होने करके डॉक्टर साहब ने जिहड़ा है सफर करन तो उन्हां नूं बवरजत किया है। इस करके दास नूं उन्हां दा सुनेहा आया कि आप जी ने हाजिरी लवानी है। बाणी करता 1173 तो लैके 1675 तक भगत फरीद जी तो लैके धन गुरु तेग बहादुर साहब जी तक जिहड़ी है बाणी उह रची गई। इस बाणी नूं अगों जिहड़े उन्हां दे उत्तराधिकारी सन उन्हां ने संभालिया। समय के मुताबिक जड़ा है बीत चुका जड़ा साडा समा है वो दौरान जड़ा है आप जानते हैं कि जिस तरह गुरबाणी साहिब जी ने उच्चारण किया बाणी रची गई उस तरह ही बाणी का जड़ा उच्चारण से गुरबाणी की जी संथ्या से दी जाती रही। पहली टकसाल धन गुरु नानक साहब जी ने करतारपुर साहब तो शुरू की। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह जी ने दमदमा साहब विखे टकसाल की आरंभता की। शब्द के द्वारा जीवन को घड़ना एक टकसाल का मुख कार्य सी जितों जीवन घड़िया जाता सी जितों जीवन जाच दसी जाती सी। अज जिहड़ा वर्तमान समा जिहड़ा समा चल रहा है इस समय दे विच बरतात विच वेखण आया वेखण विच आउंदा है कि असी गुरबाणी की संथ्या लैनी भी जरूरी नहीं समझते जां गुरबाणी की संथ्या लैन लग्या ये नहीं वेखते कि जिहदे कोलों मैं गुरबाणी की संथ्या लैनी है जिहदे कोलों गुरबाणी का शुद्ध उच्चारण करना मैं सीखना है उन्हें आप कितों संथ्या प्राप्त की है उहदा उच्चारण किस तरह है। असी जिस तरह के नाल चाहे कोई साढ़े गले महल्ले दे विच कोई ग्रंथी सिंह है जो कोई पाठ करना जानता है बहुते वेखण विच आउंदा है कि असी कहने पंजाबी हुई जे असी पढ़ लैनी है। बहुत विद्वान जन डॉक्टर मोहन सिंह जी आप जी को बड़ा सुंदर दस के गए ने। इस तो पहला विद्वान जना ने आप जी को दसिया क्योंकि गुरबाणी का शुद्ध उच्चारण होना बहुत जरूरी है। अज वेखते हैं कि असी जिस तरह मोबाइल तो गुरबाणी पढ़नी शुरू कर दें जिदे विच बहुत अलग मात्रा का फर्क है तो जिन्हें गुरबाणी की संथ्या की नहीं तो वह किन्ना अर्थ का अनर्थ करता है किन्ना जिहड़ा गलत उच्चारण गुरबाणी का असी कर रहे हैं। धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह जी के समय जदों सिंह दखनी ओंकार की बाणी विचों पढ़ रहा सी करते कीमित करता जाना है कह जाना है गुरसूरा है ये शुद्ध उच्चारण एक मात्र जिहड़ी सी घट लाउण दे नाल उत्थे अर्थ का अनर्थ होया। ताड़ना की गई सिख ने पूछया कि गुरबाणी पढ़न ते भी जे ताड़ना होनी है गुरबाणी पढ़न का की फायदा तो पातशाह जी ने कहा सी कि गुरबाणी शुद्ध पढ़ो तुसी बाणी जड़ा उदा शुद्ध रूप है वह है करती कीमित करता जाना कह जाने गुरसूरा ते तुसी उच्चारण किया कि जाना गुरसूरा गुरु की जानदा है इस दे नाल अर्थ का अनर्थ होया। सो इस करके
गुरबाणी का शुद्ध उच्चारण करना जिहड़ा वो बहुत जरूरी है। जिहड़े ये समागम उलीके गए ने बहुत शलाघा योग ने और ये सानू अगे लई भी जिहड़ा है ऐसे समागम करते रहना चाहिए क्योंकि बहुतात विच वेखण हुंदा भावें वह ग्रंथी सिंह की ड्यूटी निभा रहे हैं ज पाठी सिंह की साढ़े कोल भी कई सिंह ड्यूटी करते हैं उन्हां दा उच्चारण भी चंगी तरह शुद्ध नहीं सही नहीं है वह भी अलग मात्रा का पूरा ध्यान नहीं करते ज कई शब्द ने अधिक शब्द जिहड़ा अपने कोलों वरतों कर लैंदे आ ज जिस तरह शब्द है शब्द दे विच शब्द सस्से दे पैर विच बिंदी जां इदां अनेक होर शब्द ने जिहड़े असीं अपने कोलों जिहड़ियां अलग मात्रा ला के उन्हां दा उच्चारण करदे आ इहदे विच असल विच असीं मुहारनी नहीं पढ़ी पैंती नहीं पढ़ी। साढ़े कोल रटौल साहब बैठे ने बड़ी ये भी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि जो पहला गुरबाणी की संथ्या शुरू करवाई जाती सी ते उहदे विच सब तो पहला जिहड़ी पैंती ते जिहड़ी मुहारनी पढ़ाई जाती सी। मुहारनी पढ़न दे नाल पता लगता सी किहड़ी लघु मात्रा है किहड़ी दीर्घ मात्रा है किस मात्रा की आवाज़ किन्नी देनी है किस मात्रा की आवाज़ किन्नी देनी है सानू इस गल का अंदाजा नहीं। असी कई लघु मात्रा जां छड़ जांदे आ जां जिहड़ी लघु मात्रा है उन्होंने भी दीर्घ दे जिहड़ी आवाज़ दे दिंदे आ जां जिहड़ी दीर्घ है उन्होंने लघु आवाज़ दे दिंदे आ जिहदे नाल उच्चारण दे विच बहुत वड्डा फर्क पैंदा है अर्थां दे विच अगे बहुत वड्डा फर्क पैंदा है। सो इस करके गुरबाणी का जिहड़ा है शुद्ध उच्चारण जिहड़ा है वह बहुत जरूरी है ते समय समय ते सानू उपराला करदे रहना चाहिदा है। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी सिख कौम की सरमौर संस्था है जिहदे वल्लों समय समय ते अजिहे समागम जिहड़े ने उह लीके जांदे ने ते लोड़ है कि इन्हां समागमां दे विच पहुँच करके प्रेरणा करदे आ जितों आप कुछ सिख करके क्योंकि गुरु नानक दा सिख जिहड़ा हर सिख प्रचारक है वह आप जिहड़ा है कुछ ना कुछ सिख करके अगे सिखाउणा इह साडा कर्म है। सो लोड़ दे समय के मुताबिक जिहड़ा है असी गुरबाणी दू समझ करके गुरबाणी दे विचों अपनी जिहड़ी है सीध लै करके अपना जीवन जिहड़ा है वह बतीत करना है। जिस तरह व्याकरण के बाबत दस्या गया व्याकरण का शब्द के अर्थ नू सीध देना है गुरबाणी उच्चारण दे विच जिहड़ा है वह व्याकरण का संबंध नहीं। गुरबाणी शुद्ध उच्चारण करन दा जिहड़ा है वो असी जिहड़ी है प्रोपर तौर पर चंगे विद्वान दे कोलों जिन्हें आप किसी टकसाल दे विच रह करके जिहड़ा है संथ्या प्राप्त की है उहदे कोलों ही असी शुद्ध उच्चारण जिहड़ा है वह कर सकते हैं सानू पता लग सकता है क्योंकि अज वेख्या गया बहुतात विच बिंदियां दा बहुत उच्चारण किया जाता है जिथे लोड़ नहीं भी बिंदी की असी उत्थे भी बिंदी की वरतों कर जाने जिथे आवाज़ औंकड़ दी देनी आ उत्थे दलौंकड़ दी दे जाने जिथे आवाज़ सिहारी दी आ उत्थे नहीं ध्यान करते बिहारी की आवाज़ नूं जिस तरह असी पूरी तरह नहीं जिहड़ा इस तरह के नाले बहुत ज़्यादा जिहड़ा है कमियां हन उच्चारण दे विच। सो रल मिल के आपां जिहड़ा इस तरह के उपराले करते रहिए ताकि गुरबाणी का शुद्ध उच्चारण हो सके। जिस तरह सतगुरु पातशाह जी ने एक मात्रा घट बोलन के नाल सिख नूं ताड़ना की ते अज किन्नियां ही सुखमनी साहब सेवा सुसाइटियां बनियां किन्नियां संस्थावां बनियां होईयां हन पर गुरबाणी शुद्ध उच्चारण वल किसी का ध्यान नहीं। भैणां मातावां जदों गुरु सुखमनी साहब सेवा सुसाइटी सुखमनी साहब का पाठ करदियां ने बहुत गलत पाठ शुद्ध उच्चारण ही नहीं लगा मात्रा का पता नहीं शब्द का सही उच्चारण पता नहीं कौमा कित्थे देना है कित्थे विश्राम लाउणा है उहदा नहीं पता सही विश्राम ना लाउण करके भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इस करके सारिया जिहड़ियां चीज़ां ने बहुत ध्यान देण योग ने ते इन्हां नूं ध्यान विच रख करके सानू जिहड़ा है यतनशील रहना चाहीदा है। गुरु साहब कृपा करन कि अजिहे जिहड़े कारज हन अजिहे जिहड़े समागम हन सानू करन दी सतगुरु पातशाह प्रेरणा बख्शदे रहन ते रल मिल के जिहड़ा है असी इहदे विच होर वी वध चढ़ के अपना हिस्सा पाउंदे रहिए सारे रल मिल के सेवा निभाउंदे रहिए। सो सिंह साहब जी वल्लों आप सारिया ने उन्हां दी हाजरी प्रवान कर लैनी उन्हां दा बहुत अपना मन सी वह चाहते भी सी आउणा पर डॉक्टर साहब वल्लों मना करन ते वह नहीं आ सके दास नूं उन्हां ने हुक्म किया सो इतनी हाजरी प्रवान। प्रबंधक जनां दा बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।